बेटा सही दिखाई दे रहा है। हेलो बेटा, आवाज सुनाई दे रही है सबको? एकदम ऑल बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ ओके, थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सारे बच्चों को। और आप सब लोग कैसे हैं बेटा? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, जितनी भी चल रही है ठीक चल रही है, माहौल ही ऐसा बना हुआ है। वैसे इंशाल्लाह भगवान करे आप सब लोग स्वस्थ हों, परिवार में आपके सब लोग ठीक हों, लेकिन फिर भी जो माहौल है थोड़ा सा आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, घर में डेली कुछ ना कुछ बच्चा सुनता रहता है, तो डिस्टर्ब तो थोड़ा माइंड रहता है। लेकिन बेटा आप एक बार सुने, पढ़ाई बाद में होगी, पहले कुछ जरूरी बातें मुझे आपसे करनी थी। सब लोगों से जरूरी बात ये सब थी कि पहली चीज, जो भी चीजें हैं बेटा ये परमानेंट नहीं है, समय के साथ सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ये अभी नहीं, पहले से आप इतिहास उठाइए, पहले से बहुत सारी चीजें आई, पहले प्लेग आया, हैजा आया, सब चीजें। ऐसा नहीं कि उससे लोगों ने अपना सब बंद कर दिया, सब चीजें उसी में सोच में बैठ के, चीजें समय हुआ नॉर्मलाइज हुई फिर लोगों ने शुरू कर दिया। तो वही है बेटा, हमारे पास टारगेट है, हमारा एग्जाम अगस्त में है। तो अभी आप ये ना सोच के चले कि सर पोस्टपोन होगा तब पढ़ेंगे, आगे होगा। अभी आप ये मानो आगे होगा वो बात की बात है, अभी आपको ये मान के चलना है कि अगस्त में हमारा एग्जाम है और अगस्त तक हमें ही पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, उसी के हिसाब से हमें तैयारी करनी। ठीक है, जो माहौल चल रहा है उससे अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाइए, मोटिवेट होइए, पॉजिटिव थोड़ा सोच लेकर आइए अपने अंदर। शुरू में हो सकता है क्योंकि बड़ा डिस्टर्बेंस है, 2 घंटे पढ़ पाए कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे पढ़े फिर 3 फिर 4, एक वीक में आप जो आपका पुराना फ्लो था जब कोचिंग ओपन हुई थी उस हिसाब से आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, जहां गड़बड़ हो बेटा बताते रहिएगा, वीडियो में ऑडियो में कहीं भी कोई दिक्कत आए सबको। दूसरा, अब जैसे यहाँ पे हमारा जो टॉपिक थे बेटा, जितना भी सिलेबस हुआ था कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए थे। जैसे हमारे टॉपिक में 11th वाले पार्ट में देखें तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हमारा बचा हुआ था, और अगर हम फ्लूइड हाइड्रोस्टेटिक हाइड्रोडायनेमिक्स हमारा बेटा बचा हुआ था, इलास्टिसिटी सरफेस टेंशन ये बचा हुआ था। सेकेंड बुक में करंट का एक पार्ट बचा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मॉडर्न फिजिक्स और मैग्नेटिक ईएमआई इस, इतना हमको पढ़ना है। अब ये जब तक भी कोई गवर्नमेंट का आदेश नहीं आता है, ऑफलाइन शुरू नहीं होता है, तब तक हम ऑनलाइन इन सब चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक चैप्टर फर्स्ट बुक में बचा हुआ है बेटा ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन का मैं वीडियो बना के, इसी में एक वीडियो का ऑप्शन है, एक वीडियो मैंने अपलोड भी की हुई है, अगर आप देखोगे तो मिल जाएगी, उसी यूट्यूब चैनल पर मैं ग्रेविटेशन पूरा अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशन उधर जाएगा, बाकी सारे टॉपिक हम यहाँ पे, ये हमारा शेड्यूल रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हीट से। तो हीट का जो टॉपिक है इसका डबल फायदा है, ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, तो हीट से हम दोनों जगह पढ़ सकते हैं, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में। तो और यहाँ से क्वेश्चन, जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स एक कठिन यूनिट है, उसमें बच्चा नॉर्मली नहीं कर पाता है, लेकिन हीट, हाइड्रोस्टेटिक डायनेमिक्स, फ्लूइड इलास्टिसिटी, ये सब ऐसे टॉपिक हैं एवरेज बच्चा भी, वीक बच्चा भी इसमें अच्छा स्कोर कर सकता है, क्योंकि यहाँ सवाल हमेशा आसान होता है। दूसरा सेम ऐसा ही टॉपिक है हमारा मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में भी हम कम मेहनत से अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, बस आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा बेटा, जैसे बीच में जो भी चीज आपको लगे आप नोट कर सकते हैं, बाकी इसके जो नोट्स हैं वो आप मुझे कॉल करिएगा या कलीम सर से बात कर लीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के नोट्स कलीम सर आपको प्रोवाइड करा देंगे, अगर फिर भी दिक्कत हो आप फिजिक्स के मुझसे करिएगा, फिजिक्स के मैं प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे हीट जितने भी टॉपिक हमें पढ़ाऊंगा इन सबके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं बेटा हीट वाले, पहले बताइए सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? अब हम बात करते हैं हीट की। तो जो हीट है इस पूरी यूनिट को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक इसका पहला जो पार्ट है हीट का वो आएगा बेटा टेम्परेचर प्लस कैलोरीमेट्री प्लस थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री टेम्परेचर कैलोरीमेट्री और थर्मोमेट्री। सेकेंड पार्ट आएगा हीट का थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो
डायनेमिक्स। थर्ड पार्ट आएगा हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। इन तीन पार्ट में हम पढ़ेंगे। इन तीनों में तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, यहां से भी आए, यहां पर भी आए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यहां से भी यह क्वेश्चन आता है। इन तीनों में जो कैलोरीमेट्री है, यहां से क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, और जब आसान आते हैं फिर भी बच्चे करने में गड़बड़ करते हैं, क्योंकि वहां फॉर्मूला कम यूज होता है, टेक्निक कॉन्सेप्ट ज्यादा लगता है। तो सबसे पहली यूनिट हमारी हुई टेम्परेचर, कैलोरीमेट्री और थर्मोमेट्री। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे टेम्परेचर, जो पहली यूनिट है उसकी अब हम बात करते हैं। जिसको सुनाई ना दे रहा हो ब्लड, अगर पिक्चर्स आ रही हो तो वो बेटा बता सकता है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट। सुनाई दे रहा है सबको? अरे हाँ ना, में तो बोलिए, बोर्ड क्लियर बेटा, बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप टेम्परेचर की हम बात करते हैं। सबसे पहला देखिए होगा क्या, जो डेफिनेशन थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है बहुत ज्यादा हम यहाँ नहीं कर सकते, उसमें हम कम फोकस करूंगा, जो न्यूमेरिकल है वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे। और ये सब नॉर्मल सी बातें आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों को मालूम होगी। तो सबसे पहले हीट क्या होती है? तो हीट सब जानते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करें? इट इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अगर कोई बॉडी किसी वस्तु के ठंडेपन और गर्मपन का मापांक, कि कोई बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, उसका जो मेजरमेंट है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये हमारा वो। अब आता है टेम्परेचर को मेजर किससे करेंगे? तो जो टेम्परेचर हम मेजर करेंगे, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं, हर बच्चे को मालूम है। अब आता है जो थर्मोमीटर है वो किस पर बेस्ड है? कोई थर्मोमीटर किसी पर बेस्ड होगा जो काम करेगा? तो थर्मोमीटर हमारा तीन चीजों पर बेस्ड है। एक तो हमारा किस पर है? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो किसी भी लिक्विड हो सॉलिड हो उसका क्या बढ़ेगा बेटा? वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। तो एक तो वॉल्यूम एक्सपेंशन के ऊपर बेस्ड है। ये सवाल पूछा गया था बहुत पहले CPMT जो एग्जाम होता था, कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन पर बेस्ड थर्मोमीटर कौन सा है? तो जो हमारा मरकरी थर्मोमीटर है, एल्कोहल थर्मोमीटर है, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, वॉल्यूम एक्सपेंस पर बेस्ड है। तीसरा हमारा आता है, अगर हम गैस थर्मोमीटर की बात करें, उसमें अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, केवल टेम्परेचर बढ़ाएं, तो प्रेशर बढ़ेगा, तब हम मेजर कर सकते हैं। तीसरा हमारा आता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। उसमें हम क्या करते हैं कि हम जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर वो छोटी छोटी बातें हैं। पहला, अब टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, पहला आप समझ गए थर्मोमीटर से हम क्या मेजर करेंगे? टेम्परेचर। इसमें पहली प्रॉपर्टी आती है वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। इसमें हमने क्या करा? और ये कौन कौन से थर्मोमीटर होते हैं? इसमें हमारा मरकरी जो नॉर्मली क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, दूसरा हमारा कौन होता है? एल्कोहल थर्मोमीटर। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं? थर्मोमीटर शायद आप सब लोगों ने देखा होगा, ये मेडिकल के स्टूडेंट है, ये एक फ्लास्क होता है, ये एक कंटेनर होता है, इसमें हम किसी भी लिक्विड को फिल कर, ठीक बेटा। अब आप देखिए, लिक्विड को मैं यहाँ गर्म कर हीट दूंगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम में क्या होगा? एक्सपेंशन। जब वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा तो ये कहाँ राइज कर जाएगा? ऊपर। और जितनी लेंथ राइज करेगा यहाँ पर इसके बेटा स्केल बना होगा, और उस स्केल को हम कैलिब्रेटेड कर लेंगे डिग्री में, कैल्विन में, फॉरेनहाइट में, जनरली हम डिग्री में या फॉरेनहाइट में कैलिब्रेटेड करते हैं। अब इस पे ये कैलकुलेट हम कैसे करें? तो हमने क्या किया, जब ये हमारा फ्लास्क था या कोई कंटेनर जिसमें हमने किसी भी वॉल्यूम को फिल कर, तो हमने देखा स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली कि 0 डिग्री पर वॉल्यूम हमें पता हुआ, फिर हमने 100 डिग्री पर इसका वॉल्यूम देख लिया, ठीक बेटा, ये दोनों वैल्यूज मालूम है। अब हमने क्या किया, इस थर्मोमीटर को जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है उस बॉडी के टच में ले, देखा भाई अब वॉल्यूम कितना आया, एक अननोन टेम्परेचर पर वॉल्यूम कितना आया, वीटी। तो ये दोनों रीडिंग हमें मालूम है, ये हमने मेजर किए, ये स्टैंडर्ड है,
अब यह फॉर्मूला हमें मिला बेटा टी इक्वल्स टू वी टी माइनस वी जीरो अपॉन वी हंड्रेड माइनस वी जीरो इंटू हंड्रेड। इस फॉर्मूले से उस अननोन बॉडी का हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इस पहले जब सीपीएमटी होता था 2000 से पहले भी इस फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते, अब इस फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आए। होगा क्या, एक बड़ा सवाल आएगा उसमें इस स्टेप को यूज करेंगे, तब हम सेकेंड स्टेप, टू स्टेप प्रॉब्लम होती है तो जो टू स्टेप प्रॉब्लम होगी उसमें ये स्टेप होगा, अगर हमें ये मालूम है तब हम उस प्रॉब्लम को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड आता है हमारा गैस थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर या हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर होगा इस पे बेटा हम क्या करेंगे, अब जो ये वॉल्यूम था यहाँ पे हमारे पास क्या था, वॉल्यूम एक्सपेंड होने के लिए स्पेस था, उसमें वॉल्यूम एक्सटेंड हो गया, हम इस वॉल्यूम को फिक्स कर दिया कि वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम को एक तरीके से आपने क्या कर दिया कॉन्स्टेंट। अब इसको मैं हीट करता हूं और जनरली किसके लिए, गैस, तो गैस में आपने इक्वेशन पढ़ी होगी बेटा पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट, तो सीधा सा P इज प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेटा किस में इंक्रीमेंट होगा, प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा, जब प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा तो हमने फिर वही स्टैंडर्ड वैल्यू ली, जीरो डिग्री पर प्रेशर कितना ले लिया पी नो, हंड्रेड डिग्री पर प्रेशर कितना मेजर कर लिया हंड्रेड। अब अननोन टेम्परेचर हमें पता करना है तो वहां बॉडी को टेस्ट करेंगे, प्रेशर कितना आया Pt, तो यहाँ भी फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे सीधा Pt माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इनटू कौन बेटा 100, तो ये हम यहाँ से कैलकुलेट करें। ठीक है, तीसरा बेटा हमारा आता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, तो इसमें रेजिस्टेंस की कौन सी प्रॉपर्टी, जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बताया था वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, अगर हम किसी कंडक्टिंग वायर को गर्म करें या उसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा इंक्रीज कर सकते, इसमें हम कहेंगे वेरिएशन इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो हमने देखा जीरो डिग्री पर रेजिस्टेंस आर है, हंड्रेड डिग्री पर आर हंड्रेड, एक अननोन टेम्परेचर पर कितना है R, ये हम मेजर करेंगे, तो जो टेम्परेचर हमारा निकल के आएगा सेम वही फॉर्मूला आर टी माइनस आर नोन अपॉन आर हंड्रेड माइनस आर, ठीक है, इनटू कौन बेटा हंड्रेड। यहां से हम क्या मेजर कर लेंगे टेम्परेचर, तीनों फॉर्मूले सेम है, बस पहले फॉर्मूले में यहाँ V था, दूसरे में P था और तीसरे में R है, ये जनरल बातें। अब आता है यूनिट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर, स्केल ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर को किस यूनिट में मेजर करेंगे, जैसे लेंथ होती है, लेंथ को हम किस किस में मेजर कर सकते हैं, मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, एमएम है, एंगस्ट्रॉम, तो वैसे ही टेम्परेचर में तो अलग अलग स्केल होंगे, तो आप जानते हैं कौन कौन से स्केल होते हैं, कोई बोलेगा, अरे कोई तो जवाब दीजिए, स्केल टेम्परेचर हम मेजर करते हैं कौन कौन से हमारे यूनिट होती है, कौन कौन से हमारे स्केल होते हैं, सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा बहुत बढ़िया गरीब हो, सेल्सियस ये सेंटीग्रेड एक ही हो गया, दूसरा केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फारेनहाइट, तीसरा हमारा चौथा होता है रियूमर टेम्परेचर, पांचवा होता है रेनकाई, लेकिन हमें रेनकाई नहीं पढ़ना होता ना आईडी के सिलेबस में है और ना ही नीट के सिलेबस में, यहां हम बात करेंगे चार टेम्परेचर इनको। अब जैसे पहले मैं बताऊं, आपने थर्मोमीटर सबने देखा है, तो जो थर्मोमीटर हमारा होता है, यहाँ एक फ्लास्क होता है, इसमें मरकरी फिल कर देते हैं एल्कोहल, यहाँ से इसमें ये लेवल बने होते हैं, डिवीजन जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, अब इसमें एक होता है जो नीचे वाला लोएस्ट, इसे हम बोलते हैं आइस पॉइंट, और जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं बेटा स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में मैं एस पी और इसको लिखूंगा आई, ठीक है, इनको बीच में डिवीजन बना देते हैं। अब कई बार हमें पता होना नंबर ऑफ डिविजन कितने हो, अगर हमें पता करना हो नंबर ऑफ डिविजन तो सीधा सा स्टीम पॉइंट में से
माइनस कर दीजिए किसको बेटा, आइस पॉइंट। स्टीम में से आइस पॉइंट को माइनस करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन में। इसी बेस पर मैं एक चार्ट बनाता हूं, ब्लर तो दिखाई नहीं दे रहा बेटा, अरे बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा। थैंक यू। अब हम बात करते हैं बेटा, एक चार्ट बनाते हैं। अब चार्ट में ये देखिएगा, और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा बेटा, जो भी टीचर पढ़ा है वो तो बेसिक वैसे था, असली जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से। और आप बिठा के देखिए, नीट 2016, नीट 2015, AIPMT 2005 तीनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और IIT में भी आया। अब यहाँ हम बात करते हैं स्केल। स्केल का मतलब बेटा टेम्परेचर। यहाँ हम बात करेंगे आइस पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे स्टीम पॉइंट की बात करेंगे, और यहाँ हम बात करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। अब आ जाएंगे, पहला हमारा आता है, अभी किसी ने बोला था सेंटीग्रेड स्केल, ठीक है। दूसरा आता है फारेनहाइट स्केल, इसको सी से और इसको एफ से। तीसरा आता है र्यूमर स्केल, इसको आर से। और चौथा आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको मैं कहता हूं बेटा केल्विन। आप सबको जानते हैं सेंटीग्रेड का आइस पॉइंट कहां होगा, जीरो पे। स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर ऑफ डिवीजन भैया 100। फारेनहाइट कितने पे शुरू होगा, 32 एफ से 212 एफ। नंबर ऑफ डिवीजन कितने बेटा, 180। र्यूमर जीरो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, 80 आर। नंबर ऑफ डिवीजन 80। केल्विन 273 के से बेटा 373 के तक जाएगा, नंबर ऑफ डिविजन कितने होंगे, 100। ये हमारा चार टेम्परेचर हमको पढ़ देते रहे, इनका नहीं पढ़ा। अब आता है जो क्वेश्चन पूछता है, इन चारों का आपस में कन्वर्ट, कि एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कैसे करो। इनको तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें इनको आपस में नहीं कराएगा, एक मैनुपुलेटेड एक अजम्पशन मान लेगा अपने मन से, कह दिया कि ये टेम्परेचर ही है, मान कह दिया एक न्यूटन टेम्परेचर है नया, उसको डिग्री फॉरेन इनमें कन्वर्ट कर, उसमें सबके लिए कॉमन क्या होगा, उसमें हम ये करेंगे। अब इसमें एक फॉर्मूला है जिससे हम उसको आपस में सारे टेम्परेचर को कोरिलेट कर सकते हैं। तो पहले मैं इनको कोरिलेट नहीं करूंगा, एक जनरल बात बताऊंगा कि कोई भी दो टेम्परेचर हो, उसने अपने आप एज्यूम कर लिया कि कोई टेम्परेचर न्यूटन है, कोई टेम्परेचर आइंस्टीन है, या कोई टेम्परेचर हमारा कुछ और मान सकता है। ये मान लीजिए दो थर्मोमीटर हमारे पास है, एक एक्स है और दूसरा जो मेजर करता है वो वाई करता है। ये डिग्री हो सकता है, फॉरेनहाइट हो सकता है, कुछ भी। इनको कैसे आपस में कोऑर्डिनेट, सीधा फॉर्मूला होता है एक्स और इस वाले का जो भी आइस पॉइंट आई अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, तो नंबर ऑफ डिवीजन। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। अब यहां जाओ बेटा, y होगा, अब y का भी क्या होगा, कोई आइस पॉइंट हो, अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। यह हमें मिला एक जनरल फॉर्मूला। अब इसी पे बेस्ड हम सबको आपस में कोरिलेट करते हैं, जैसे सेंटीग्रेड सी आया, सेंटीग्रेड का आइस पॉइंट कौन है, जीरो। नंबर ऑफ डिवीजन कौन भैया, 100। अब कौन आया, फारेनहाइट आया f, और माइनस फारेनहाइट में नंबर ऑफ डिवीजन कितने बेटा, 32, सॉरी आइस पॉइंट क्या है, 32। नंबर ऑफ डिवीजन कितने, 180। अब आता है र्यूमर, आइस पॉइंट 0, नंबर ऑफ डिवीजन 80। अब आता है केल्विन, आइस पॉइंट 273, नंबर ऑफ डिवीजन कितने, 100। तो ये सारे कोरिलेट हो गए आपस में, और सिंप्लीफाई करो तो इसको हम 0 0 कैंसिल करें, 2 से कट करिएगा 5 आ जाएगा, 2 से कट करोगे 9 आएगा, ये 4 आएगा और ये 5। कॉमन इनको लिखोगे तो c अपॉन 5 इक्वल टू f माइनस 32 9 r अपॉन 4 k माइनस 273 अपॉन 5। ये हमें इतना यहां पर मिला, ठीक है बेटा, ये हमको इतना मिला k माइनस 273 अपॉन 5। ये हमें तीनों में, इन सब में हमें क्या मिला बेटा, एक रिलेशन हमको मिल गया, ठीक है। अब सवाल क्या पूछता है, तो बहुत बेसिक सवाल बचकाना सा,
एक टेम्परेचर पूछे, आप बायो के स्टूडेंट से, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या? तो कोई बोलेगा डिग्री में भी और फॉरेनहाइट में, माइक ऑन में बोलिए। सही जवाब 37 क्या होगा डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट में क्या होगा 98.6। दूसरा हमारा आता है कि ऐसा कौन सा कॉमन टेम्परेचर है जो डिग्री और फारेनहाइट दोनों में सेम रहता है? ये नाइन बात बड़ा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड कीजिए या -40 फारेनहाइट कीजिए, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम है। अब बात हुई ये हमने इतना कहा कि नीट यहां से क्या सवाल पूछेगा, तो नीट यहां दो तरीके के सवाल पूछेगा, एक प्रॉपर न्यूमेरिकल एक ग्राफिकल सवाल पूछेगा। अब मैं उस पर जाता हूं, वही आपको समझ। जैसे क्या हुआ, जैसे हम स्केल की बात करें, आप जाओ, आप ऐसे मानिए हमारे पास एक्यूरेट थर्मोमीटर ना हो के एक फाल्टी थर्मोमीटर है, गड़बड़ इनकरेक्ट थर्मोमीटर। ऐसे मानिए जैसे मेजरमेंट होता है, आप तराजू से स्केल से नापते हैं तो दोनों जो ये पेन है दोनों पन्ने हैं ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में होने चाहिए, और कोई ऑलरेडी अगर नीचे झुका हुआ है तो क्या हमें रीडिंग मिलेगी? एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। तो सेम चीज हमारा कहाँ होगी बेटा? थर्मोमीटर में। यहाँ हम क्या करेंगे, पहले सुन लीजिए क्वेश्चंस क्या बने। ये कोई एक थर्मोमीटर, शुरू में जो ये इसकी हाइट है वो एक्चुअली में जीरो पे होनी चाहिए हमारा, उसके बाद फिर मेजरमेंट करें। अगर सपोज मानिए, और ये कितना होना चाहिए 100। अब कोई ऐसा थर्मोमीटर है जिसका आइस पॉइंट 0 पे ना होके सपोज मान लीजिए 10 डिग्री पर है, और स्टिंग पॉइंट कितने पे है 90 डिग्री, तो अगर इससे मैं किसी चीज को मेजर करूंगा तो क्या ये करेक्ट रीडिंग देगा? बताइए माइक। ओके बेटा, आप समझ पा रहे हैं? देखिए आइस पॉइंट 0 पे है और ये 100 पे, ये तो कंडीशन है किसके लिए, अगर कोई सेल्सियस स्केल है। अगर मैं मान लू इसका आइस पॉइंट 10 डिग्री पर है और स्टीम पॉइंट कितने पे 90, अब इससे मैं कोई रीडिंग लू किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करूं तो क्या मुझे करेक्ट रीडिंग मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक बात। अब करेक्ट जो इससे सपोज मानी इससे मैंने कोई रीडिंग मेजर की 60, ठीक है, तो ये करेक्ट तो है नहीं, तो भाई एग्जाम में आपसे कहेगा कि करेक्ट रीडिंग क्या हो, 60 तो मेजर वैल्यू है जो कि इनकरेक्ट हमें मालूम है, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? सवाल क्या होगा आप सुनिएगा, वो कहेगा देयर इज अननोन फॉल्टी थर्मोमीटर हुज आइस पॉइंट इज 10 डिग्री, स्टीम पॉइंट इज 90 डिग्री एंड मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी 60 डिग्री, तो व्हाट विल बी द करेक्ट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी? तो मैं यहां 10 सेकंड दूंगा आप लोगों को, कॉपी पेन लेके बैठिए, कोशिश करिए बताइए मुझे, जो सबसे पहले जिसका आ जाए वो अपना जवाब बताइएगा। कितना बेटा? 60। ठीक ठीक बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ठीक, अब मैं बताता हूं बेटा, देखिए ये एक्स माना और जो दूसरा आप करेक्ट लीजिए, जो करेक्ट हमारा होगा उसमें आइस पॉइंट 0 पे होगा, स्टीम पर, इसको वाई मानी, वाई का मतलब सेंटी, ये एक्चुअल है। अब इन दोनों में आपको कोरिलेट करना है जो मैंने शुरू में बताया, तब आप क्या करेंगे बेटा, एक्स माइनस इसका आइस पॉइंट कितना है 10, और नंबर ऑफ डिवीजन कोई बताएगा इसमें? बोलिए बेटा नंबर ऑफ डिवीजन। हाँ सही, स्टीम थोड़ा कॉपरेट दीजिए आप लोग भी, खाली ऐसे बैठ के देखते रहोगे तो बेनिफिट नहीं होगा, वही बाबा रामदेव, बेटा करने से होता है, खाली देखने से नहीं होता, आप साथ में कॉपी पेन लेके सवाल कीजिए। तो 90 में से 10 को माइनस कीजिए कितना हुआ 80, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने आ गए 80, इसमें सी आइस पॉइंट 0, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने भैया 100, 0 0 कैंसिल, और कट हो सकता है 2 से, ये 2 से कट होगा 4, 2 से जाएगा 5, तो हमें मिला एक्स माइनस 10/4 c/5। अब हमें पता क्या करना है, एक्स एक्स की रीडिंग दी हुई है, एक्स कितना रीड करता है 60, हमें पता किसका बेटा करना है, हमको मालूम करना है बेटा, हमें पता करना है किसका, सी का, ठीक है, सी में रीडिंग, तो एक्स की वैल्यू पुट करिए कितना है 60 - 10/4 इक्वल्स टू c/5। अब इसमें आप देखिए माइनस कितना आ गया 50/4 इक्वल टू c/5, c इक्वल टू
250 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करिए, चंद 24 और एक 8.5, तो 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो मेजर्ड वैल्यू थी वो बेटा कितनी थी 60, और एक्चुअल टेम्परेचर बॉडी का क्या था 62.5। तो एक क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट का आएगा, सबको समझ में आया, क्लियर दिखाई दिया, साउंड क्वालिटी सही है? ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन की। कॉपी पेन तैयार रखिए, मैं दोबारा क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। बस अब इसमें एक ही क्वेश्चन, देखिए फॉर्मेट एक ही क्वेश्चन का, लेकिन वहां से 3, 10, 20, 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हमने वो आपसे कह देगा कि हमको सी सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में बेटा ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहला क्वेश्चन कि फारेनहाइट और सेंटीग्रेड में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ क्या आएगा? ऑप्शन स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। स्ट्रेट लाइन, ठीक, वेरी गुड। फिर क्या करेगा? सही जवाब है बेटा स्ट्रेट लाइन। अब वो क्या करेगा? अब आपको चार ऑप्शन दे दिए और चारों ही ऑप्शन में CF, FC, FC, FC और चारों में क्या करेगा? चारों में ही वो स्ट्रेट लाइन बना देगा। ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है और बेटा ये भी स्ट्रेट लाइन। अब कह देगा कौन सा सही, नाम दे देता हूं मैं। ये दिखाई दे रहा है ग्राफ, 1, 2, 3, 4, बताइए कौन सा ठीक है? ए, बाकी लोग एक दो बच्चे बोल रहे हैं, बाकी कितने लोग हैं मैं देख तो लूं। एक मिनट, 74 स्टूडेंट कनेक्टेड है। अच्छा सी, कौन कौन बताइए? सही जवाब, हर जवाब सही है। देखो अब हम ये देख लीजिए, हम रट के गए क्लास, हमने जरा पहला पार्ट ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ठीक, हम ग्राफ हम कर लेंगे एग्जाम में गए, हमें मालूम है ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, हम फिर भी नहीं कर पा रहे, क्यों? हमने आधी बात सीखी। अब दूसरी बात, इसमें क्या देगा? थर्ड सही है, सही जवाब। अब इसका एक स्लोप तो आप जानते हैं बेटा, स्लोप क्या होता है? एम इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है। तो कहेगा व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ, ये आईआईटी का आईआईटी में लगा क्वेश्चन है, आईआईटी ने इसमें पूछा था कि इसके स्लोप की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो। फिर एक और अदर एग्जाम था, उसने टेन की बजाय वैल्यू पूछ ली टेन थीटा, एक और था उसने वैल्यू पूछ ली कॉस थीटा। कितना बढ़िया सवाल था। अब मैं इस पूरे सवाल को बता, ठीक है। तो सबसे पहले शायद आप भूल गए होंगे, 2 महीने में हमारा आपका इंट्रेक्शन नहीं हुआ। पहले थोड़ा सा बेटा मैं स्ट्रेट लाइन के बारे में बता, हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये पढ़ी है, वाई इक्वल्स टू एम ए प्लस सी, याद है? अब हम यहाँ पे देखिए चारों ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किए थे वो एक सही है, ये तो ठीक है, बाकी तीन गलत क्यों है हमें ये भी तो पता हो। तो कम से कम हम गलत नहीं करेंगे, निगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी, तो या तो हम सही करेंगे या हम नहीं करेंगे। पता चला कि सही कम किए, गलत ज्यादा किए, तब भी गड़बड़ है। अब देखो ये एफ एक्स ग्राफ है हमारा, वाई वाई एक्स वाई एक्स। अब एक लाइन ऐसी सेंटर से लाइन कब जाती है? जब सी की वैल्यू कितनी हो? जीरो। अगर कॉन्स्टेंट ना हो, सीधा वाई और एक्स में रिलेशन हो, तो लाइन कहां से जाएगी? सेंटर से, ठीक। अब तो ये ऐसा, अब बताओ क्या ऐसा है? नहीं। दूसरा पॉइंट, अब पहले मैं दूसरा पॉइंट क्या, अब ऐसा ये कब होता है कि अगर यहां प्लस है तो इंटरसेप्ट कितना काटेगी? प्लस, और थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। दूसरा ये बात, ऐसा कब होगा कि ये तो प्लस हो लेकिन यह इंटरसेप्ट किसमें हो? माइनस। अगर y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये नेगेटिव में हो तब ऐसा होगा, और यहां कब होगा? ये दोनों पॉजिटिव हो। नेक्स्ट, इसमें ऐसा कब होगा? ये थीटा वाला, ये क्या हुआ? स्लोप हमारा किसमें आ रहा है? माइनस। अगर यह माइनस हो, अब थोड़ा सा रिमाइंड हुआ होगा आपको, बाकी क्लास में मैंने ग्रंथी पढ़ाई थी, चीजें और अच्छे से बताई थी हमें प्रॉपर जो सवाल। अब पहले मुझे ये बताइए, जब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा तो इनमें क्या पता होना चाहिए? रिलेशन। अभी मैंने रिलेशन निकाला था, याद है? सी अपॉन फाइव एफ माइनस 32 अपॉन कौन? 9। भाई सी और एफ में ये रिलेशन था कि नहीं था? अब इस रिलेशन को मैं करता हूं, 9 को इधर ले आइए,
नाइन अपॉन फाइव सी इक्वल टू एफ माइनस 30। तो एफ इक्वल टू नाइन अपॉन फाइव सी प्लस 30, क्योंकि इधर प्लस का हो जाएगा। तो पहले हमें एफ और सी में रिलेशन मिला। अरे ये क्लियर हुआ बेटा? भाई हमने अभी कहा भी जिनमें भी आपको ग्राफ खींचना हो उनमें हमें क्या पता होना चाहिए, रिलेशन। तो ये रिलेशन क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम ग्राफ खींचते हैं। अब जरा बेटा इसका कंपैरिजन करें, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और सी ये कौन है, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट कितना हो गया, 32 एक्स की जगह सी, और स्लोप जो एन है वो कितना हुआ बोलो, 25। यहाँ बेटा। अब जरा मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए ये सी और ये मैंने कौन लिया है, फारेनहाइट है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि किस एक्सिस पर आपने क्या लिया हुआ है। तो मैंने ये कंपैरिजन करा एफ को ये वाई से, तो जो वाई पर मैंने किसको लिया है, फारेनहाइट को, और एक्स किसको मारा है बेटा, सी को। अब लगाइए तो ग्राफ, देखिए सी क्या है, पॉजिटिव, ये तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। ये और ये इसका स्लोप हो गया थीटा। आपने देखा स्लोप हमेशा किसको बताता है बेटा, टेन थीटा। कितना हुआ, नाइन अपॉन, क्लियर ये जवाब। अब लेकिन जितना टेन थीटा ही पूछे, भाई स्लोप का मतलब तो हो गया टेन थीटा। वो कहते हैं साइन थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस थीटा की बताओ। अब हम एक यार ट्रेंगल बना लेंगे, क्या इधर दिखाई दे रहा है सबको, यहां लिखूं, ठीक। अब देखिए ये थीटा है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर कौन, नाइन, ये फाइव। तो हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम मालूम है आप लोगों को, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो नाइन का स्क्वायर 81, इसका 25, तो अंडर रूट में कितना आ गया, 106। अब जब हमें 106 मिला, अब आप कुछ भी करें, अब आप साइन थीटा की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो बेटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 106। आप कॉस थीटा की वैल्यू लीजिए कितना आएगा, 5 अपॉन अंडर रूट 106। तो क्या पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखिए ये तो आपकी बेटा कॉपरेट करना पड़ेगा, देखिए ऑनलाइन क्लास में होता जो ऑफलाइन में जितना हम कर सकते हैं उतना नहीं हो सकता, लेकिन हर फॉर्मेट का हर सवाल हो जाए मैं कोशिश करता हूँ। ये टेम्परेचर से रिलेटेड आपको इतने सवाल पूछेगा, इतने आप करेंगे। और सेकेंड पॉइंट आता है इसका कैलोरीमेट्री, और कैलोरीमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट। तो कैलोरीमेट्री में पहले भी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आएगी, जैसे स्पेसिफिक हीट है, लेटेंट हीट है। अब कैलोरीमेट्री में तीन कैटेगरी के सवाल आते हैं, मेन सवाल जो आते हैं, आपने पढ़ा होगा, अगर मैं लिक्विड लिक्विड मिक्स कर दूं तो टेम्परेचर क्या होगा, आइस को लिक्विड में मिक्स करूं तो टेम्परेचर क्या होगा, स्टीम और लिक्विड को मिक्स करूं तो टेम्परेचर क्या होगा, आइस और स्टीम को मिक्स करूं तो टेम्परेचर क्या, ये सारे कॉन्सेप्ट। फिर थर्मोमेट्री में आएंगे। तो आज हमें सुबह मैंने इतना ही पढ़ाया था, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है बेटा। दूसरा, आप कुछ टॉपिक्स मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, इसी में जब आप 20 मिनट ओपन करोगे तो इसमें लास्ट में जाके एक होगा स्टडी मटेरियल का ऑप्शन। जब स्टडी मटेरियल पे देखोगे तो वहां मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है रेडियो एक्टिविटी, तो वहां से आपको बाकी वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है, सुनिए ध्यान से, बहुत काम है। इसका फायदा बेटा आपको तभी होगा, जैसे आज मैंने टेम्परेचर पढ़ाया, ठीक। आगे आप क्या करोगे, नीट नीट तो बहुत पहले के आईआईटी में दोनों के आज ही 10 ईयर देखो, और उसमें जितने भी टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं आज ही कर लो पूरे, और जो उनमें डाउट आए वो मुझको व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। सोल्यूशन नहीं आएगा तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो जैसे कल मैं कैलोरी मेट्री पढ़ाऊंगा, तो कल आप कैलोरी मेट्री के सवाल पूरे दिन घर पर लगाइए और कर दीजिए, इस तरीके से पूरा सिलेबस अपना कर लीजिए, ठीक है बेटा। अपनी वीडियो से रिलेटेड जो भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई होगी, कम आवाज क्लियर ना पहुंची हो, किसी बच्चे को क्लियर दिखाई ना दिया हो, या कोई और इसमें मॉडिफिकेशन आप लोग चाहते हो, तो पर्सनल उसको मैसेज कीजिए, जो व्हाट्सएप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप फीडबैक दीजिएगा, इसका आज का फीडबैक, ठीक
कैसा रहा, क्लियर दिखाई दिया, वॉइस क्वालिटी सही थी, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं था, ठीक है बेटा। हाँ फीडबैक दीजिएगा बेटा मुझे। ओके बेटा, आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कल कितने बजे मिलना है हम लोगों को? हाँ तो मैं 9 बजे लिंक भेज दूंगा बेटा, 10 बजे डॉट क्लास शुरू कर दूंगा, 10 बजे से पहले आप उसे जुड़ जाए, उसके बाद फिर अप्रूवल नहीं मिल पाए, ठीक है? ओके बेटा, हाँ ओके बेटा।